गोधरा कांड पर आधारित फिल्म द साबरमती रिपोर्ट को लेकर सियासत लगातार जारी है। बीजेपी का मानना है कि इस फिल्म के माध्यम से गोधरा कांड का छिपा हुआ सच दिखाया गया है, तो वहीं विपक्ष पूरी तरह से इस फिल्म को प्रोपोगेंडा बता रहा है। लेकिन इसी बीच गोधरा कांड के मुद्दे पर बनी द साबरमती रिपोर्ट फिल्म को भाजपा नेताओं ने कार्यकर्ताओं को दिखाने के लिए विशेष आयोजन करना शुरू किया है। इसी कड़ी में पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सैनी ने जबलपुर के मल्टीप्लेक्स में एक पूरा शो बुक कराया और पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ फिल्म देखी। फिल्म देखने पहुंचे मंत्री राकेश सिंह ने कहा, फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है। इस फिल्म के निर्माता, निर्देशक और कलाकारों ने गोधरा में साबरमती ट्रेन में हुई घटना के काले सच को सामने लाने का काम किया है, क्योंकि गोधरा कांड की सच्चाई को रहस्यमय तरीके से छिपाने का काम किया गया था, जिसे फिल्म से जुड़े लोगों ने हिम्मत कर समाज के सामने लाने का काम किया है। रिपोर्ट नाम की ये फिल्म अपने आप में एक ऐसी सच्चाई है जिसे पूरे देश को और दुनिया को जानना समझना चाहिए। बरसों तक जिसे दबाकर रखा गया, गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया, वो सच इसमें सामने दिखाया गया। गोधरा कांड जब ये घटा था तो एक तरह से झूठ की बाढ़ आई थी देश और दुनिया में, और सच को दबाने की कोशिश हुई थी। तथाकथित धर्मनिरपेक्ष ताकतों ने उस झूठ को देश और दुनिया के सामने परोसने की कोशिश की, लेकिन आज इस फिल्म को देखने के बाद ये ध्यान में आता है कि सच्चाई क्या थी, और पूरा देश सच्चाई को समझ रहा है। किस तरह से अयोध्या से आने वाले जो लोग थे, जो भक्त थे, उनको जिंदा जलाया गया। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मनोहर यादव जी के प्रति, जिन्होंने इस फिल्म को टैक्स फ्री किया है ताकि अधिक से अधिक लोग इस फिल्म को देखें और जाने कि सच क्या है। आज हमने दो हॉल बुक किए हैं यहाँ, सभी जनप्रतिनिधि हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आम लोग भी आज इस फिल्म को देखने